हमीरपुर जोन ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना का पहुंचाया लाभ। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर को नल से जोड़ा गया है। जल शक्ति विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत 100% का लक्ष्य किया पूरा। इस वर्ष से विभाग हमीरपुर जोन में हर घर में लगाए गए नलों का निरीक्षण करेंगे। जल जीवन मिशन के तहत 100% हुआ है। विभाग जमीनी स्तर पर भी निरीक्षण करके पता करेगा कि जमीनी स्तर पर 100% हुआ है या नहीं। हर घर नल योजना के तहत नलों में पर्याप्त मात्रा में पानी की सप्लाई घरों में पहुंच रही है, जिससे लोगों को घर द्वार में ही पीने का पानी मिल रहा है। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत से लोगों को परेशानी हो रही है। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ ही घरों में नलों की सुविधा थी, लेकिन अब केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर नल से जोड़ा गया है, जिससे लोगों को अब घरों में ही पानी मिलने के लाभ मिल रहा है। हमीरपुर डिवीजन के अंतर्गत जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारी लगभग 100% कवरेज हो चुकी है, और इसके अतिरिक्त हम आने वाले दिनों में ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारे जल नल लगे हैं उनमें क्या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इंश्योर्ड हो रही है, कितनी क्वांटिटी एज पर नॉर्म्स जो सरकार ने फिक्स किए हैं क्या उनके अंतर्गत हो रही है कि नहीं हो रही है। आने वाले दिनों में हर गांव में हर घर में ये सुनिश्चित किया जाएगा, और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो हमने 100% टारगेट अचीव किया है वो क्या ग्राउंड लेवल पे भी वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी भी इसको भी इंश्योर किया जाएगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारी लगभग 40 करोड़ की स्कीम्स का कार्य चला है, जो कि आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा, और इससे जो हमीरपुर डिवीज़न के अंतर्गत जो गांव विलेजेस आते हैं उनको लाभ मिलेगा, और पानी की सप्लाई जो सुनिश्चित की जाएगी जहां जहां भी वाटर सप्लाई के इश्यूज हैं। इसके अतिरिक्त एक इम्पॉर्टेंट 15 करोड़ की लागत से अमृत के अंतर्गत हमीरपुर शहर के लिए एडिशनल 10 लाख लीटर वाटर सप्लाई उपलब्ध कराने के लिए ब्यास से स्कीम का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसकी अभी टेंडरिंग प्रक्रिया की जानी है और जिसको अमृत के अंतर्गत मंजूरी मिल चुकी है, और टेंडरिंग प्रक्रिया करने के बाद उसका कार्य शुरू किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जल शक्ति विभाग इम्पॉर्टेंट शहर की बिल्डिंग्स जो हैं, जैसा कि फायर फाइटिंग का हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर या टैंक्स बना के उसको सुरक्षित करेंगे, और उस पानी को जल सुरक्षा के लिए फायर फाइटिंग के लिए यूज़ करने का भी प्रबंध किया जाएगा। आने वाले टाइम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सक्सेस पे भी फोकस किया जाएगा सरकार की प्रायोरिटी के अनुसार, और इसी के साथ मैं आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए हमीरपुर से मोहन चीत की रिपोर्ट।